नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। मतलब यार, बाहर से देखकर कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। सही बात है, लेकिन आपको बाहर से देखकर ये साफ साफ पता लगाया जा सकता है कि आप फिजिकली और मेंटली कितने स्वस्थ हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि ऑन एन एवरेज 68 किलो का वजन कायम करने के लिए एक पुरुष जीवन भर 50 टन यानी कि 50,000 किलो भोजन करता है। और आज आपकी 90% से भी ज़्यादा बीमारियाँ उनका मुख्य कारण ये भोजन ही है। यानी कि आपका ये भोजन डिसाइड करता है कि आप इस धरती पर कितने साल रहने वाले हैं। और ये बात आज से 5,000 साल पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वेदों में हमारे शास्त्रों में एक सूत्र के द्वारा पहले ही बता दिया था। और इस सूत्र का अर्थ है कि अगर आपका भोजन सही है तो आपको कभी भी औषधियों यानी कि दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका भोजन गलत है तो दवाइयाँ आपके किसी काम की नहीं है। और हमारे वेदों का हमारे शास्त्रों का ये गूढ़ रहस्य हम सब कुछ भूल चुके हैं और वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं। कुछ भी खा रहे हैं, किसी भी टाइम पे सोते हैं। इसीलिए आज स्थिति ऐसी आ गई है कि आपको हर घर में एक ना एक इंसान ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसकी दवाइयाँ चल रही है। इसीलिए अभी भी समय है, जाग जाइए और आज से बल्कि अभी से वेदों द्वारा बताए गए उन नियमों को पालन करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिएगा कैसे कोई भी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। और इसमें सबसे पहला नियम है कि आपको भोजन मौसम के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तब आप कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं। गर्मियों में आपको हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन करना चाहिए, यानी कि आपके भोजन में तरल पदार्थ या ठंडी चीजें शामिल होनी चाहिए। और सर्दियों में आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जो आपके शरीर को गर्मी दे। और आपको हमेशा ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें फाइबर हो। ये फाइबर आपकी पाचन क्रिया को बढ़ाता है, इसलिए आपको अपने भोजन में जितना ज़्यादा हो सके फल और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके फाइबर वाला भोजन करना चाहिए, क्योंकि जब ये आपके पेट में जाता है तो आपके पेट में पाचन क्रिया अच्छे से होती है, आपका पेट अच्छे से मूव होता है। इससे आपको कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। और इसमें दूसरा नियम है कि आपको हमेशा जमीन पर बैठकर खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये साफ साफ लिखा गया है कि जब आप जमीन पर आसन बिछाकर खाना खाते हैं तो ऐसा करने से आपकी नाभि में उपस्थित जठर अग्नि तेज हो जाती है, जिससे आपका खाना जल्दी पचता है और खाने का पूरा फायदा आपके शरीर को मिलता है। लेकिन जब आप खड़े होकर कुर्सी पर या बेड पर बैठकर खाना खाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से खाना तेजी से आपके पेट में जाता है, जिससे आपके शरीर को खाने का रस और एंजाइम नहीं मिल पाते। लेकिन जब आप सुखासन या पालथी मारकर खाना खाते हैं तो आपके शरीर पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होता है, जिससे खाना धीरे धीरे पेट के सभी हिस्सों से होकर गुजरता है। इससे आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता है और आपको जीवन में कभी भी अपच, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसमें तीसरा नियम है कि भोजन को अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए। हमारे आयुर्वेद के अनुसार हमें भोजन को 32 बार चबाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो आपकी पाचन क्रिया मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है, और अगर आप अपने भोजन को अच्छे से नहीं चबाते हो तो भोजन के बड़े बड़े कण सीधे ही आपके पेट में चले जाते हैं। अब हमारे पेट में जो भी एंजाइम होते हैं वो इन बड़े बड़े भोजन के कणों के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, फिर आपका भोजन ऐसे ही छोटी आंत में जाता है और वहाँ पर भी आपका खाना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो आपको खाने से जो पोषक तत्व मिलने वाले थे वो नहीं मिल पाते। लेकिन जब आप धीरे धीरे खाते हैं, अच्छे से अपने खाने को चबाते हैं तो आपके मुँह में बनने वाली लार आपके भोजन से अच्छे से मिल जाती है, जिससे आपका भोजन मुँह में ही पतला हो जाता है और जब वो पेट में जाता है तो अच्छे से पच जाता है। धीरे धीरे खाने का दूसरा मुख्य कारण ये भी है कि जब आप आराम से खाते हैं, अपने खाने को अच्छे से चबाते हैं तो आपका दिमाग आपको एक सिग्नल भेजता है कि अब आपका पेट भर चुका है और इस वजह से आप ओवर ईटिंग नहीं करते। ओवर ईटिंग के बारे में ही
हमारा चौथा नियम है, यानी कि आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हमारे आयुर्वेद के अनुसार आपको खाना अपनी भूख से थोड़ा सा कम, यानी कि 80% तक खाना चाहिए, क्योंकि जब आप एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो और इस तरीके से अपने पेट को पूरी तरह से भर लेते हो, इससे आपके पेट पर दबाव पड़ता है। पेट के अंदर जो भी पाचन क्रियाएं होनी हैं वो अच्छे से नहीं हो पाती और इससे आपका भोजन पचता नहीं है बल्कि सड़ने लगता है। इससे आपको कब्ज, एसिडिटी या मुंह से बदबू आनी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए कभी भी पूरा पेट भरकर खाना मत खाइए। इसमें पांचवा नियम है कि आपको भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करने से लगभग 40 मिनट पहले और भोजन करने के 30 मिनट बाद तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हो, इससे आपके पेट में मौजूद एंजाइम डाइल्यूट हो जाते हैं, इनका असर कम हो जाता है और ये आपके भोजन को पचाने में ज़्यादा समय लेते हैं। और पानी ना पीने का दूसरा मुख्य कारण ये भी है कि आपके पेट में जो जठर अग्नि होती है, जिसकी वजह से आपका खाना पचता है, तो जब आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो ये अग्नि बुझ जाती है, जिससे आपका खाना नहीं पचता है, वो सड़ने लगता है। इसलिए खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। और छठा नियम है कि आपको हर रोज़ कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई ना कोई व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम दिन भर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है। लेकिन जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, दिन भर अपने शरीर को हिलाते डुलाते रहते हो, तो आपके पेट में जो भी खाना होता है उसे आगे मूव होने में मदद मिलती है, क्योंकि जब आप हर समय बैठे रहते हो तो आप जो भी खाते हो वो आपके पेट में जाकर इकट्ठा होता रहता है, आपकी आंतों से चिपकता रहता है, वो आपके पेट में जाकर मूव नहीं हो पाता, जिससे आपका खाना सड़ता है, पच नहीं पाता। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने शरीर को एक्टिव रखना चाहिए, आपको दिन भर में वो सारे काम करने चाहिए जिससे आपका शरीर थोड़ा बहुत हिलता रहे। और जब भी आप भोजन करते हैं तो भोजन के तुरंत बाद आप वज्र आसन में बैठ सकते हैं, ये आपके भोजन को पचने में मदद करता है। इसे आप योगा मैट पर या बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने घुटनों को मोड़ लें, पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं और उस पर इस तरीके से बैठें, अपनी कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें और अपने दोनों हाथों को घुटने पर आराम से रखें। तो जब आप हर रोज खाने के बाद वज्रासन करते हैं, इससे आपकी पाचन क्रिया अच्छी होती है और आपका भोजन आसानी से पच जाता है। तो जब आप इस तरीके से हमारे वेदों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हैं, तब आप जो भी भोजन करते हैं वो आपको आरोग्य, सफल और स्वस्थ जीवन देता है।